सिर्फ जिया न्यूज पर। हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से खुद एक मशहूर कार्टूनिस्ट मनोज मौर्य जुड़ चुके हैं। मनोज जी स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आज अगर आप प्राण द कार्टूनिस्ट को याद करना चाहेंगे, कैसे याद करेंगे? सर सबसे पहले बात तो यह है कि मेरा उनको मतलब नमन, क्योंकि कार्टून की दुनिया में जो प्राण साहब ने जो एक चलन डेवलप की, जिसमें जो करेक्टर उन्होंने लाइव करेक्टर्स पैदा किए, और वो करेक्टर जो आज भी लोगों के याद हैं और आगे भी याद रहेंगे, तो वो जो नॉर्मल करेक्टर्स थे आज लाइव हो चुके हैं और लोगों के बीच में वो करेक्टर आज भी उपस्थित हैं। चाचा चौधरी, साबू और चाची हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ जिंदा रहने वाले हैं। मनोज जी बतौर कार्टूनिस्ट उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो अपार उपलब्धियां हैं। ऐसी उपलब्धियां हैं कि जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे तो शायद ये वक्त भी हमें कम पड़ जाएगा, पर एक चीज जो उन्हें बिल्कुल अलग बनाती थी आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी चीज थी उनके अंदर जो उन्हें बिल्कुल लीक से अलग हटकर खड़ा करती थी? प्राण साहब को जब भी उन्होंने 1971 में चाचा चौधरी का करेक्टर रचा, वो चाचा चौधरी का जो करेक्टर था वो उसके साथ जो उनके करेक्टरिस्टिक थे, जो जुपिटर से आए हुए साबू था और उनकी पत्नी चाची, ये सारे जो करेक्टर थे वो करेक्टर इस भारतीय समाज को लिंक करती थी। आज उस समय की रिक्वायरमेंट थी कि इस तरह के कोई भी चीजें आए और उसे इस सोसाइटी में रिप्रेजेंट करे। ये जो प्राण साहब ने इस तरह की जो बातें की अपने कार्टून के माध्यम से, वो एक रिमार्केबल है, मतलब पूरी तरह से रिमार्केबल है। और वो चीज आज के टाइम में भी करेक्टर्स इसीलिए लाइव हैं क्योंकि वो करेक्टर पूरी तरह से भारतीय करेक्टर थे और लोगों के बीच के करेक्टर थे। जी मनोज जी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे, कई लोग शायद जिन्होंने शायद आपने भी अगर अपना करियर जब शुरू किया होगा तो हो सकता है कि आपने भी उन्हें देखा हो, उनकी तरफ उनके कार्टून को देखा हो, तो ऐसी क्या बात आपको उनके अंदर लगी या बतौर शख्सियत जैसा आप खुद भी अभी जिक्र कर रहे थे कि एक कनेक्शन उन्होंने जोड़ा, एक कहते हैं ना कि आपस में सामंजस्य जुड़ने वाली बात है, पर मैं आपसे यहां पर यह जानना चाह रहा हूं कि कैसे प्रेरणा स्रोत वो रहे, कितने बड़े प्रेरणा स्रोत रहे आप जैसे कार्टूनिस्ट के लिए भी या कोई और तमाम दूसरे लोग भी हैं उनके लिए भी। मैं छोटी सी एक बात शेयर करूंगा क्योंकि हमारे सामने चीजें जो थी, जब मतलब जो हमारे बर्थ के बाद जो पहला कार्टून हमको मिला वो चाचा चौधरी कार्टून मिला, और उसके करेक्टर्स को कॉपी करने की एक हैबिट डेवलप हो गई थी, उनके स्टाइल्स, उनके मुस्टैच, उनके छड़ी, तो चाचा चौधरी के करेक्टर को कॉपी करते करते इनिशियल दौर में लगा कि कार्टून इसी को बोलते हैं। और ऐसे हजारों लोग थे क्योंकि सब घरों में ये मैगजीन पहुंचती थी, और ये मैगजीन पहुंचने की वजह थी कि इतना वास्ट इसका पब्लिकेशंस था और इतना पॉपुलर मैगजीन थी कार्टून मैगजीन की, लोग इसे बच्चे तो कॉपी करते थे, चाहे वो साबू का बड़ा 15 फीट का करेक्टर हो या चाचा चौधरी का पतला दुबला एक दादाजी का करेक्टर हो, ये सारी चीजें कॉपी करते थे। और ऐसे करेक्टर साबू विजुअलाइजेशन का करेक्टर था और चाचा चौधरी सारे बच्चों के बीच में, उनके घर पे दादा होते थे, दादी की तरह से चाची होती थी, तो ये कॉपी करने का एक सिलसिला चालू हुआ और वो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा बन गई एक्चुअली। बिल्कुल मनोज जी, एक बड़ी बुनियादी चीज यहां पर है कि जो वेस्टर्न कार्टून्स है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, सुपरमैन हो, बैटमैन हो या तमाम इस तरह के कार्टून जो पूरी दुनिया पर जिनका एक छत्र राज है, तो कितनी चुनौती उन कैरेक्टर्स को मिली जो कैरेक्टर राज साहब ने बनाया, जो प्राण साहब के जो राज कॉमिक्स है उसके थ्रू निकल करके आए, जिसमें बार बार भले ही उसके बाद हम सुपर कमांडर ध्रुव की बात करें, एक चलन सा हो गया उसके अंदर भी, तो वो कितनी बड़ी चुनौती उन्होंने दी थी, क्या लगता है आपको? सर वो करेक्टर जो थे, मतलब वो करेक्टर वेस्टर्न के लिए वाकई चैलेंजिंग हो गए थे। रीजन ये था कि हमारे बीच के करेक्टर, उन करेक्टर से हम एसोसिएट नहीं हो पा रहे थे, या हम, मुझे जो अनुमान है कि जितने भी बैटमैन सुपरमैन ये तो थोड़े बाद के करेक्टर हैं, उस समय जो पहले करेक्टर्स थे, हम किसी भी करेक्टर से हम अपने आप को लिंक नहीं कर पाते थे। लेकिन जब एक करेक्टर्स आए हमारे बीच में, चाचा चौधरी या और भी उनके साथ पिंकी और बहुत सारे कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किए हैं, 60 के बाद 68 से इन्होंने जो कैरेक्टर्स लगातार क्रिएट किए, तो ये कैरेक्टर हमारे भारतीय कैरेक्टर थे, हमारे बीच के थे, इनके कॉस्ट्यूम्स, इनके कैरेक्टर्स, इनके बोलचाल भाव, इनके डायलॉग्स, तो ये कैरेक्टर्स इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन थी कि प्राण साहब ने हमारे बीच के कैरेक्टर्स क्रिएट किए, और ये सबसे बड़ा चैलेंज था वेस्टर्न कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं आउट होने में।
मनोज जी, बतौर कार्टूनिस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना मुश्किल है कि चाचा चौधरी जैसे कैरेक्टर, हालांकि दिखने में इतना सिंपल है, पर कहते हैं कि जो सिंपल चीजें होती हैं वही जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल होती हैं, तो उसको पैदा करना बतौर कार्टूनिस्ट क्या मनोवृत्ति रही होगी, क्या लगता है आपको? एकदम सही बोल रहे हैं। अगर सिंपल चीजें बहुत कठिन होती हैं, क्योंकि सिंपलिसिटी को आप प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें लेके आ जाते हैं। कार्टून कैरेक्टर्स के साथ ये होता है कि आप मैक्सिमम जो आप देखते हैं उसे आप कार्टून में ढाल देते हैं, लेकिन जब प्राण साहब ने जो कैरेक्टर्स जो विजुलाइज किया, एक दुनिया बनाई, और एज एन कार्टूनिस्ट किसी के लिए भी जो देखी हुई चीजों को उसे रिफॉर्म कर देना एक इजी वे है कार्टून को कर देना, लेकिन अगर उसे विजुलाइज करके अपनी कल्पना के आधार पे एक जीवन गढ़ देना और वो कल्पना आपके लोगों के मन में साकार की तरह से दिखने लगे, ये बहुत बड़े चैलेंज था जिसे उन्होंने इतनी आसानी से कर दिया कि लोगों तक पहुंचने में उन्हें शायद बहुत कम टाइम लगा, और ये यही वजह थी कि उनके बीच का जो करेक्टर आया और पॉपुलर हो गया उन लोगों के बीच में, ये सबसे बड़ी वजह थी ये भारतीय करेक्टर के साथ किए हुए काम को लेके आकर के उनके बीच में स्थापित कर देना। तो एज एन कार्टूनिस्ट जो है, किसी को भी अभी उस तरह के करेक्टर क्रिएट नहीं किए जाते हैं, नए करेक्टर्स, और ना ही उसके एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन आज भी चाचा चौधरी और उनके रिलेटेड सारी चीजें लोगों को याद है। ठीक है मनोज जी, आप कह रहे हैं कि इस तरह के कैरेक्टर अब नहीं क्रिएट किए जाते, एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं रही, क्या वजह इसके पीछे आपको लगती है? क्या लगता है आपको कि दुनिया बदली है, दुनिया का एक्सेप्टेंस कार्टून के लिए? एक वक्त था, चूंकि हमें भी याद है हमारे बचपन में किराए पर लाला करके कॉमिक्स पढ़ी जाती थी, तो उस तरह से चीजों से रिलेट किया जाता था, तो अब वो चीज क्या नहीं रही या नहीं रहेगी? कैसे आप देखते हैं प्राण साहब के जाने के बाद? कार्टून का एक पूरा ईरा रहा है जिसमें बहुत सारे कार्टूनिस्ट, लक्ष्मण सर और ये सारे, वो जो पीरियड रहा है पूरी तरह से कार्टून का एक पीरियड रहा है। कार्टून एक लंबे टाइम तक, अभी भी कार्टून कैरी होता है, आप देखते हैं कि स्लोली स्लोली सारे न्यूज़पेपर से भी कार्टून गायब होना चालू हो गया। उसके पीछे आज इतने सारे मीडियम क्रिएट हो चुके हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पे कि कार्टून एक जो मीडियम था, एक व्यंग का मीडियम था, और इस व्यंग के मीडियम को इन्होंने, प्राण साहब ने सिर्फ व्यंग तक नहीं रखा, इसको लोगों के जीवन की दूसरी सच्चाई, सुपर हीरो के रूप में पहली बार भारत में चाचा चौधरी को स्थापित किया, और उसके साथ आज जो नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं उसके पीछे मुझे जो बेसिक रूप में लग रहा है कि लोगों के अंदर जो इतना फास्ट ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, उस बात की वजह से चीजों का ठहराव बहुत स्लो हो गया है, जिसे कि कार्टून में न ढाले जाने के पीछे एक बड़ा रीजन है। मनोज जी, एक बड़े सामाजिक संदेश भी दिया गया है, सबसे बड़ी बात यह रही, हमें लगता है कि शायद दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि वो किरदार सिर्फ उस किरदार तक सीमित नहीं रहा, उसके बाहर जाकर के उसने अच्छाई पर, अच्छाई की जीत हमेशा बताई गई कि किस तरह से बुराई को पीछे करके हमेशा अच्छाई जीतती है, तो ये एक सोशल संदेश भी कहीं ना कहीं उस कार्टून से निकल करके लोगों तक पहुंचे, तो ये जो चेतना पैदा हुई थी, क्या लगता है ये चेतना अब कितनी मिस की जाएगी? चेतना तो बहुत मिस की जाएगी सर, पूरी तरह से ये मिस इसलिए की जाएगी कि अगर आप देखें जो पूरा सोशल सिस्टम है, इस सोशल सिस्टम में चाचा चौधरी की बात करें हम, आज जो है ओल्ड, जो चाचा चौधरी का करेक्टर इस पे बेस ही था कि जिस तरह से एक ओल्ड पर्सन, मतलब नॉलेजेबल होता है, वो आपको गाइड करता है और मिस गाइड होने से बचाता है पूरी तरह से, क्योंकि वो पूरी सेंस कैरी करता है, और उसी जगह पे एक ऐसा करेक्टर है जो चाचा चौधरी के बगल में खड़ा होकर के उनको पावर प्रोवाइड करता है, साबू का करेक्टर, चाची का करेक्टर जो था वो पूरी तरह से, वो करेक्टर कैसा था कि वो कितने साबू इतने खाना खाता है फिर भी वो रोज बना करके उनको खिलाती है, बेटे की तरह से मानती है, ये जो एक फैमिली थी, ये जो एक पूरा उनका मोमेंट था, मतलब वो लड़ाई करते थे उस समय जो था कि गुंडों से लड़ाई करना, जो गलियों में कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही उस पर लड़ाई करना, उसे जीत जाना, जीत करके अंत में एक सोशल मैसेज होता था कि भाई अच्छाई हमेशा जीतती है, बुराई हारती है। अब इस फॉर्म में इतना ज्यादा कहा गया है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है, लेकिन अब वो फॉर्म चेंज हो रहे हैं। कार्टून मनोज जी बिल्कुल सही, आपका फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर कौन रहा है प्राण साहब का जी? क्या चाचा चौधरी कौन जी? मेरा तो सबसे फेवरेट जो रहा है चाचा चौधरी कैरेक्टर रहा है जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे, कार्टूनिस्ट है। प्राण शर्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बनाए गए कार्टून उनकी याद को हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगे। सिर्फ या न्यूज़ पर।